कुछ डंडा कर दीजिए ना, ये थोड़ा झोला मार दे। ज़्यादा कम करिए यही ठीक है, बार ले रहे ठीक ना, फोकस ना है कहीं स्पीड से नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा, देखने से क्लियर पता चल रहा है कि बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है। यहाँ आप थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे देखिए पूरा इसका चेहरा भी देख के आप क्लियर कर सकते हैं कि बहुत ही पुराना यहाँ बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है। फ्रेंड्स, इसको निकालते हैं फिर और अच्छे से बताते हैं और दिखाते हैं इसको। ये कब देखा गया था आप लोगों? अभी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले देखा है, तभी फोन किया है। पहले कभी नहीं देखा गया? जाने लग गया है काम उधर। हाँ, जा सकता है, जंगल है का उधर? नहीं नहीं है, मुझे घर है। उधर से तो करे का है, उधर से इधर से बहुत अच्छा रूप लिया था उधर। नहीं का चलिए इधर निकल, ये भी अंदर पानी ले आता। यही होता है डर और गुस्सा, गुस्से में इंसान भी कुछ भी कर देता है। ये बहुत ही बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है। डब्बा ले बंद कर खाती तो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा। चलिए बाहर ले चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रसना क्षेत्र से 10-15 किलोमीटर दूर
कौन सा गांव है? चक चमरही गांव है, धनईपुर से पहले है। और यहां से अभी कॉल आई मुझे रेस्क्यू के लिए। ये बिग साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा है दोस्तों, ये देख के कोई कह सकता है ये कि 30 साल से कम इसकी उम्र नहीं है। ये 25-30 साल का बिग साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा, पुराना कोबरा है, आप देख सकते हैं। ये मिट्टी का घर था, उसमें ही था ये, काफी दिनों से रहता था यहाँ पे। और पहले कभी देखा गया था कि नहीं है? नहीं। कभी साल दो साल पहले कभी? नहीं। सो फ्रेंड्स ये सोचिए, और किसी को कभी खतरा भी नहीं हुआ? ये सांप कितना पुराना है सोचिए, यहाँ रहता था इस मिट्टी के घर में, और किसी को कोई खतरा नहीं हुआ आज तक। बिग साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये इंग्लिश में इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, हिंदी में गेहुअन नाग फेटार बोलते हैं आपके आसपास गांव घरों में। और इसका साइंटिफिक नेम, जो साइंस जिस नाम से जानता है, पूरा विश्व जिस नाम से जानता है, वो नाजा नाजा है। बाकी अपना लोकल लैंग्वेज में लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये साइंस और पूरे विश्व इसको नाजा नाजा के नाम से जानता है। एक बात और जानिएगा आप लोग कि कभी भी ये सांप जो आते हैं, लोग मदारी दिखाते हैं, कहते हैं कि ये बीन के सहारे डांस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सांप है, कभी भी इसके सामने कुछ आप ऐसे अट्रैक्ट दिखाएंगे तो ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस पर कुछ नहीं, और इस पर लाइट और ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए ये ऐसे डोलते रहता है। जैसे जैसे करेंगे अभी मैं घूमूंगा तो ये भी घूमेगा, देखिए इधर इधर जाऊँगा उधर उधर घूमेगा, और इसमें कुछ नहीं है। और ये जो फन निकालता है, ये अपनी खुद की बचाव के लिए दिखाना चाहता है कि आपसे बड़ा है, ठीक है। और इसमें कभी भी ऐसा सांप आपको बाइट करता है तो किसी भी ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग। तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ एंटीवेनम लगेगा, इसी सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम लगेगा, तभी आपकी जान बचेगी। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है इस सांप में, और उसी का आपको एंटीवेनम लगेगा तो आप ठीक होंगे। तो थोड़ा सा सावधानी आप लोग बरतिएगा और ध्यान दीजिएगा, कभी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग। बताइए इतना बड़ा सांप, इतना पुराना रहता था यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात है सब लोग सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहा। बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा ये आज देखा होगा, बताइए। बहुत अच्छी बात है ना, ये उसमें कोई रहता था, कोई गाय वगैरह? अच्छा ट्यूबवेल है वो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा, एक डब्बा दे दीजिए हमको, इसको पैक कर लें। देखिए ये अपने आसपास गांव घरों में इसलिए आता है चूहे के लिए, अपने आहार के लिए। ये चूहा खाता है फ्रेंड्स, ये ऐसा स्नैक है जो 70-80 बार फाल्स बाइट करता है। इसकी बाइट जो होती है वो फाल्स हो जाती है, मतलब मिस हो जाता है, वेनम इंजेक्ट नहीं होता है इसके बॉडी, आपके बॉडी में जब भी है बाइट करेगा तो। लेकिन जब बाइट कर लेता है, जब वेनम इंजेक्ट हो जाता है, तो फिर एक ही उपाय है, एंटी वेनम। धो दीजिए अच्छा रहे भैया, अच्छे से धो दीजिए ना, ये पकड़िए हम धो देते हैं। अरे उसमें नमक मस है ना, फिर उसको दिक्कत करेगा। कुछ नहीं, अभी पैक कर देते हैं, आप ले लीजिए। बस हमारा उद्देश्य है इसको आपसे बचाना और आपको इससे बचाना, दोनों लोगों का जीवन बच जाए। आपके घर में ये निकला, आपकी जान बच गई और आपसे इसकी जान बच गई, बस ले जाके जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी जीव है ना, इसको भी जीने का हक है। इसको भी भगवान ने जब जीवन दिया तो जिएगा ये भी। दूसरा डब्बा लाइए, आप लोग दूसरा डब्बा लगा, लेट मत करिए, इसको पैक करें हम। ये देखिए, ये जो है ना, ये अपने बचाव के लिए करेगा। एक और बात, जब भी ब्लैक रहेगा तो ये करेगा। अरे कपड़े से पोंछ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं।
बाहर आ गुरु ने पूछी जल्दी से अच्छे से धुल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये सब हटा दीजिए, मतलब इसमें जो लगा है साफ कर। हे हौदो में है पानी है हौदो में जिंदा रहे खींच के ले जाके बाहर निकाल एक जोड़ा कर रहा है पूछिए तो सरक रहा है ऊपर से पूछिए सरक जाएगा तो फिर पकड़ में नहीं थे ना वो नोट बा पकड़ में नहीं थे बड़ा है ना छोटा तो नहीं ठीक है हाइट और चौड़ाई के बाद इसी का है ढक्कन सो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से इसमें पैक हो गया, अब रहेगा। बहुत जल्दी इसको ले जाके हम इसके अनुकूल वातावरण में कहीं जंगल में छोड़ देंगे, जिससे इंसानी बस्ती से दूर रहेगा, इंसान भी सुरक्षित रहेंगे और ये भी सुरक्षित रहेगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले जीव को बचाते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।